संस्कृति के आधारभूत ग्रंथ है। उपनिषद ही हम लोगों को जीवन का रहस्य बताते हैं। उपनिषद ही ईश्वर की वाणी रहती है और उपनिषद के ज्ञान से ही मात्र जीवन में समस्त मोह और बंधनों से मुक्ति होती है। उपनिषदों को ही वेदांत कहते हैं। वेदों के सबसे शिरोभाग में, अंतिम भाग में विद्यमान होने के वजह से ही उपनिषद का नाम ही वेदांत है। और ये जो है, इट इज अ मीन्स ऑफ नॉलेज। ये इंफॉर्मेटिव नॉलेज नहीं है। उपनिषद जो है वह रेगुलेटरी नॉलेज है। अनेकों ज्ञान होते हैं जो किसी चीज का हमको परिचय देते हैं और फिर हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस दिशा से युक्त होके उसका क्रियान्वयन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन उपनिषद के ज्ञान के बाद कोई क्रियान्वयन नहीं होता है। उपनिषद का ज्ञान जो है वह हमको मात्र किसी यथार्थ को रिवील करता है। उपनिषद का ज्ञान वो दसवें व्यक्ति के ज्ञान जैसा है। अब वो दस बच्चे जो हैं वह गुरुकुल से मेले में गए थे और मेले में जाने के उपरांत वहां पे उन्होंने खूब आनंद लिया, खूब मस्ती करी और फिर उसके बाद वापस आने के समय जिसको पूरा ग्रुप का लीडर बनाया हुआ था, उसने सब बच्चों को जो है गुरुकुल के बाहर गेट के पहले ही नदी क्रॉस करके एक बार फाइनल काउंट कर लेते हैं। तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी से युक्त था और उसने सबको गिनना चालू करा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अरे हम लोग तो 10 लोग आए थे, ये 9 कैसे रह गए? और फिर बेचारा बड़ा चिंतित हो गया, घबरा गया। घबराने के बाद उसने जो है ढूंढाई चालू करी, 10वां कहीं नदी में तो नहीं फिसल गया, पीछे तो नहीं रह गया, आगे तो नहीं भाग गया। चारों तरफ ढूंढाई चालू हुई, उसके उपरांत मंडली बनाई गई, नॉर्थ मिशन, साउथ मिशन, ईस्ट मिशन, वेस्ट मिशन, चारों तरफ सब लोग गए और सब बच्चे की ढूंढाई चल रही है और वो मिल ही नहीं रहा है। फिर कोई राहगीर वहां से निकलता हुआ, उसने देखा बच्चे लोग बड़े बेचारे बड़े दुखी हैं, कुछ उनकी मदद कर दो। तो बच्चों से उन्होंने पूछा, क्यों बेटा, क्या हो गया? बोला, अरे बाबा जी, खो गया है एक बच्चा, हमारा साथी खो गया है कहीं पे। बोला, कितने लोग आए थे? सब पूरी कहानी सुनी तो बाबा जी ने सरसरी नजर डाली। बोला, अच्छा, मैथ्स में कमजोर है, और साथ साथ विशेष रूप से मैथ्स में कमजोरी नहीं है, इनको तो भव रोग लगा हुआ है। अपने आप की गणना नहीं करते हैं, बाकी सबकी गणना करते रहते हैं। अपने अंदर मुड़ के नहीं देखते हैं, दुनिया भर में देखते रहते हैं, संसारी लोग। तो बाबा जी ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, हम भी पहले ऐसी गड़बड़ करते थे। और उन्होंने बोला, हमको पता है 10वां कहाँ है। बोला, अच्छा, आपको पता है। बड़े खुश हो गए। उनके अंधकारमय जीवन में आशा की किरण उत्पन्न हुई। बोला, जल्दी बताइए, आप कहां खो गया है? वी आर सो डेस्परेट। ऐसे समय जो है उनसे जो भी करवा लो, नाक रगड़वा लो, शीर्षासन करवा लो, कुछ भी सर मुड़वा लो, सब करने तैयार रहते हैं। अरे दसवें आदमी की बात है भाई, हमारा ये साथी, इसी से जो है वह पूरी गणित पूरी होने वाली है। तो उन्होंने जो है सब लोगों को लाइन से खड़ा करा। बोला, ठीक है, एक बार फिर से गिनो। और गिनना चालू करा। बाद में 9 के बाद बस उसको बोला, त्वम दशमोसी, तुम दसवें हो बेटा। जहां ये ज्ञान हुआ, इस वाक्य के द्वारा ही दसवें की प्राप्ति हो गई। वहां कोई कर्म नहीं है उसके बाद। कुछ ज्ञान होते हैं जिस ज्ञान के बाद कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है।
वो मुक्तिदायी ज्ञान होते हैं, वो आपको कर्म के अंतहीन समस्याओं से वही ज्ञान मुक्त करते हैं। ये कर्म का चक्र जो है बहुत ही बड़ा चक्कर है, भयंकर चक्कर है। कुछ कर्म करो फिर फल आएगा, फिर फल आएगा फिर कर्म करो, फिर कर्म करो फिर फल आएगा। इसका अंत कहां होने वाला है? कर्म के चक्कर से मुक्त होना। अभी आप लोगों ने सब इस हमारे सामने बड़े भारी भारी पुण्यात्मा बैठे हुए हैं, आपने जीवन में बड़े पुण्य कर्म करें और पुण्य कर्म करने के बाद फल तो भोगना ही पड़ेगा। कुछ अगर गड़बड़ भूल से गड़बड़ भी कर दिए हैं वो भी आपको मिस नहीं होएगा, भले शरीर बदल दो वहां पे पीछे लगा रहेगा वो कर्म आपके। सदैव आदमी को अपने कर्म का फल मिलता है। तो ये जो कर्म की श्रृंखला चल रही है, हाउ टू ब्रेक दिस, ये कर्म की अंतहीन श्रृंखला, ये बहुत ही ट्रिकी चीज है। कर्म की श्रृंखला से मुक्ति एक ऐसे ज्ञान जो आपको नया कर्म करवाए। अगर हम इस प्रकार का आपको कोई साधना दे दें, कोई ज्ञान दे दें जिसके उपरांत एक नया कर्म करो, तो नए कर्म के उपरांत आपको पुराने कर्मों से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। व्हाट अ रिलीफ। एक ऐसा भी ज्ञान होता है जो आपको नया कर्म नहीं करवाता है। अगर कोई नए कर्म करने हो तो ये बाबा जी के पास फिर गलत आ गए, दूसरे बाबाओं को ढूंढना पड़ेगा। वो बाबा आपको नए कर्म करवाएंगे, बोलेंगे बेटा ये कर्म करो, ऐसी क्रिया करो, ऐसी सांसें चलाओ, ऐसी फूकनी चालू करो सवेरे, फुप 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 फुप। तो इस प्रकार से आजकल अनेकों सवेरे सवेरे घरों में निकलो, आश्रम के भी दाएं बाएं हमको बड़ी बड़ी सवेरे सवेरे आवाज आती है, चिड़ियों की आवाज के अलावा सवेरे बड़ी फनी फनी आवाजें निकलती हैं। तो सब लोग कोई ना कोई क्रियाएं कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं वो क्रियाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन बस ये है कि वो लोग सदैव हेल्थ का ही ध्यान रखेंगे, मुक्ति नहीं मिलने वाली है। कोई भी कर्म से आपको संसार का लाभ मिलेगा, परिवार का आशीर्वाद रहेगा, संपन्नता होगी, अनेकों प्रकार के कंफर्ट्स आपके लेवल बढ़ने वाले हैं, आपको यहां पे इज्जत ऐश्वर्य से जीने का मौका मिलेगा। लेकिन यू विल रिमेन अ सीकर। अभी भी प्यासे थे और अभी भी प्यासे हैं।